मुकीम साहब, चिरंजीवी जी, उनका सस्पेंशन को हम विड्रॉ कर रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी दिया है कांग्रेस प्रेसिडेंट को, और वो दोनों का जो है सस्पेंशन अब खत्म। अगर ताली बजाना है तो बाद में बजा लेना। दूसरा कृष्णा सुगारिया जी को पार्टी से निकाला गया था, उन्होंने भी अपना जो है दरखास्त दिया था, तो हमने उसको एक्सेप्ट करते हुए उनको वापस पार्टी में हम स्वागत करते। जितने भी लोग जो पार्टी छोड़ के गए या कोई कारण से साइट पर है छोड़ के गए, कहीं और गए और वापस आना चाहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करूंगा कि आइए बात कीजिए, हम लोग आपको जो है इज्जत और सम्मान के साथ स्वागत करेंगे। अब भारत में दूसरी स्वतंत्र संग्राम शुरू हो गई है, सेकेंड फ्रीडम स्ट्रगल है, थर्ड फ्रीडम एक्चुअली, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सेकेंड था 47, ये थर्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है संविधान को बचाना। तमिलनाडु में एससी एसटी और नाय समाज के लोग ने राम मंदिर ट्रस्ट को पैसा भेजा था पूजा के लिए। तमिलनाडु के लोग जब वहां थे तो किसी ने कहा कि उस पैसे को लौटा दिया था ट्रस्ट लोग ने कि 22 तारीख को आपके समाज का पूजा नहीं हो सकती। ये नया इंडिया है जहां पर एससी एसटी ओबीसी के किसी को कोई इज्जत नहीं है, और आम आदमी महिला भी पैसे भेजते तो महिला का भी पूजा नहीं होता। मेरा कहना है कि ये मोदी और आरएसएस का इंडिया जो है जो बनाने के चक्कर में, देश में दो तरह के हिंदू रहेंगे, एक भाजपा वाले हिंदू जो ब्रिजभूषण सिंह को सपोर्ट करते हैं, भाजपा वाले हिंदू जो बिल्किस बानो के हत्यारे को माला पहनाते हैं, भाजपा वाले हिंदू जो राम रहीम जो रेप करता है उसको जो पेरोल पे हमेशा छोड़ देता है, भाजपा वाला हिंदू जो आसाराम बापू को सपोर्ट करता है, भाजपा वाला हिंदू जो अपने बुजुर्ग एल के कृष्ण आडवाणी को भी जो है मंदिर के प्रतिष्ठान में जो है आने नहीं देता है, दूसरे तरफ भारत के 99% जो है सनातनी धर्मी हिंदू, जो हिंदू समाज में जो दूसरे धर्म के लोग को पूजा पाठ करते सम्मान देते हैं, प्लीज गाइस पीछे शांत रहिए, जो बाकी लोग को सम्मान देते हैं, हर धर्म बराबर है। नौकाली में जब दंगे शुरू हुए थे 1947 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना भजन का लाइन बदल दिया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, एक लाइन फिर से उन्होंने कहा कि रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। याद कीजिए, गांधी जी से बड़ा हिंदू कोई नहीं है, गांधी जी से बड़ा कोई मुसलमान नहीं है, गांधी जी से बड़ा कोई सिख नहीं है, गांधी जी से बड़ा कोई क्रिश्चियन नहीं है, गांधी जी से बड़ा कोई ट्राइबल नहीं है, गांधी जी से बड़ा कोई एससी नहीं है, और गांधी जी से बड़ा कोई महिला का जो है हक के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। ए गाइस प्लीज कीप क्वाइट यार, एक्सक्यूज मी, पीछे बोल दो यार प्लीज, ए प्लीज सर, या तो बाहर जाइए या सुन लीजिए, थैंक यू। दूसरी बात क्या है कि मैं घूम रहा था बुलंगीर सब जगह करीब 1000 किलोमीटर के दरमियान, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब से ये पांड्यान साहब आए थे तो बीजू पटनायक का पोस्टर भी गायब हो गया, कुछ दिन बाद नवीन पटनायक भी गायब हो जाएगा, बीजू बाबू जावची पांड्यन जी आसुची, ये स्थिति है कोई है उड़ीसा में, बीजू बाबू जावची पांड्यन जी आसुची, कुछ दिन बाद नवीन बाबू जावची पांड्यन जी आसुची नवीन बाबू भी। अब उड़ीसा के लोग को तय करना है, मैं तो अपने पोस्टर देख रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, कितने महान लीडर थे, देखिए हमारे ओपोनेंट रहे होंगे कांग्रेस में, पहले थे बिजू बाबू, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ ओरिस्सा,
वन ऑफ ओरिसाज ग्रेटेस्ट सन। हमारी किस्मत अच्छी थी, जब मैं एसपी था तो मेरी मुलाकात उनसे एक बार हुई थी एक ऑपोजिशन रैली में पटना में, मैनी मैनी ईयर्स बैक। उस व्यक्ति का फोटो अगर पोस्टर में हट जाए तो ओडिशा का जो मान सम्मान कहां गया है। इसलिए मैं बोलता हूं ओडिशा फॉर ओडियास, फॉर दी ओडियास, बाय दी ओडियास, ऑफ दी ओडियास। बार बार हम यही बोल रहे हैं आप लोगों को कि हम, जब मैंने बीजू बाबू का पोस्ट, क्यों हम उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं लेकिन हम उनको अभी भी जो है हम उनको सलाम करते हैं, और उस अगर आदमी का पोस्टर से फोटो हट गया तो हमारा दिल टूटता है और आपका भी दिल टूटना चाहिए, आपको गुस्सा आना चाहिए कि ये क्या संस्कृति बना दिया कि एक कोई एक्स आईएएस ऑफिसर आपका बीजू बाबू का पोस्टर कर से फोटो हटा दे। ये आपकी स्थिति होगी। या ही वाज अ कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई नो ही वाज आवर पीपल। ये दो बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसलिए ओडिया अस्मिता, ओडिशा के लोग का अस्मिता, मान सम्मान कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और पांडियन जी को हम कहना चाहेंगे कि अगर हम सोशल फंक्शन में बीजू बाबू का फोटो पार्टी की तरफ से तो नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा इज्जत देते हैं। बहुत दुख हुआ कि ऐसा ऐसे पोस्टर अब बीजेडी ने शुरू कर दिया लगाना। ये दो प्रमुख विषय पर था। तीसरा विषय पर अब मैं अपने सीनियर जयदेव जिना साहब से, जयदेव जिना जी को तो सब लोग जानते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनको अपॉइंट किया है 29 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो रैली है उसका पूरा कार्यक्रम का जो है चेयरमैन, उनके निर्देश अनुसार हम भी काम करेंगे, सब लोग जो है उनके अंडर में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। 25 तारीख को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको स्पष्ट मालूम हो जाएगा बीजेपी और बीजेडी क्या कर रहा है। इस प्रदेश में एक ही ऑपोजिशन पार्टी है, वो सच ये सब लोग जानते हैं, वो है कांग्रेस पार्टी। हमारा अगर आप राजस्थान में भी देखेंगे, हमारी हार सिर्फ 1.9% से हुई, छत्तीसगढ़ में 4%, मध्य प्रदेश में थोड़ा ज्यादा था, तेलंगाना में जीते। पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक जो है हमको चाहते हैं। हमारा आप काम है कि कांग्रेस के लीडर के माध्यम से कांग्रेस के मैसेज, खड़गे जी हो, राहुल जी हो, उनका मैसेज को हर घर तक पहुंचाना। दूसरा, हमारा जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैं आपके माध्यम से क्लियरली कर, हम एक ऑनलाइन, कोई भी आ सकता है। इस बार हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ना किसी का बेटा, ना बाप, ना भाई, ना कोई। अगर बेटा अच्छा है तो उसको मिलेगा, बेटा खराब है तो नहीं मिलेगा। ये राहुल जी ने अनाउंस कर दिया था, तो मैं आपके माध्यम से क्लियरली बताता हूँ, एनीबडी हु वॉन्ट्स टू फाइट कैन अप्लाई। हमारा सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स आपको आगे बता देंगे, क्योंकि अगर ज्यादा बताएंगे तो ऑपोजिशन यूज करेगा उसी को। लेकिन वी वॉन्ट एनी बॉडी हु इज अ कांग्रेस वर्कर, हु इज सिंसियर, हु वॉन्ट्स टू फाइट। कास्ट इज नॉट अ इश्यू, मनी इज नॉट अ इश्यू, फैमिली इज नॉट अ इश्यू। वी आर डूइंग अ स्मॉल रेवोल्यूशन इन द वे वी डिस्ट्रीब्यूट टिकट्स। It's not saying that we were wrong, but we can do better. So you will see young, old, women, SC, ST, OBC, general, everybody else who are working on the ground who will be supported. It is our attempt. There is a huge team coming from Delhi. And our ticket distribution will be transparent. So nobody can tell that nahi, isko milne se galat hua. That is why the team, it is called Project Nyay, Rao ji ke yatra ke naam par. This is the baby of Mr. Kharge sir and Rao ji and Venugopal ji, because he was responsible. Mr. Praveen Patak, ex-MLA, is the chairman of that. So through you, anybody who is working in the area, he wants to fight,
वी विल मेक इट ऑनलाइन एंड देन वी विल गिव सम देन आफ्टर दैट वी विल फॉलो अ प्रोसेस सो दैट सर इज आवर स्मॉल मेथड. एक सेकेंड आई जस्ट कंप्लीट. इसके बाद थोड़ा इसका जवाब पूरा कंप्लीट कर सर. बैठ के बोलिए ना, खड़ा क्यों होते हैं, बैठ के बोलिए. दूसरा है कि वी हैव टू एक्सपोज द बीजेडी बीजेपी नेक्सस. वी विल बी मच मोर एग्रेसिव ऑन द ग्राउंड. हमको और एग्रेशन करना है, विरोध करना है, पुराना उड़ीसा कांग्रेस के ग्लोरी को वापस लाना है, उड़ीसा कांग्रेस का ग्लोरी को. एंड कांग्रेस आसूची. माई क्वेश्चन अगेन इज आई टोल्ड यू एनीबडी वॉन्ट्स टू कम आई विल वेरीफाई. आई वेरीफाइड दिस थ्री पीपल. इफ दे वॉन्ट टू कम बैक दे शुड अप्रोच अस. वन पर्सन यू स्पोक एज अप्रोच, द अदर पर्सन इज नॉट. यू कैन गेस ऑन अलायंस. वी हैव नॉट फाइनलाइज. आराम से मैं सबसे जवाब दे दूंगा, परेशान मत हो, सबको मौका. आई टोल्ड यू वी आर कांग्रेस नॉट बीजेपी. सो लेट मी टेल यू, वी लॉस्ट 15 इलेक्शंस इन तेलंगाना बिफोर वी वन द गवर्नमेंट. We had nine, everybody took our MLAs and we became single digit, nine MLAs in Telangana. Before election in Telangana, we were nine. But then you had a leader like Devendra. So this is the problem, you know everything, why don't you join Congress party? You also become leader because you seem to know all the answers. No, you cannot. As a journalist, my suggestion is, please don't suggest me the answers, right? You are asking me a question, my job is to answer you. Yeah. So I'm not getting into that debate with you. We have tall leaders in Odisha. I have in this stage only all of them. They are decent leaders. Jaydev sir is there, Vijay ji is there, Vishwaranjan is there, Sivanandan ji is there. They're good people. Rothre ji is somewhere. I saw him. I can't see him right now. We have good leaders. Election is won at assembly, na? So don't worry. And if you have BJD, removing Biju Babus and putting Mr. Pandyan, then they also have a very interesting leader. They also have a leader which is interesting. I won't say bad, but interesting. And BJP ka leader kone, I don't know. Naam bata dena baad mein, not now. But I honestly don't know who's the BJP leader. Because Pradhan ji and everybody else, to ek dusre ka jo hai, no, there's no BJP leader in Odisha, at least for me, who can win, who can capture the imagination of Odisha. जिस दिन नेता लोग भगवान राम का नाम लेते हैं चुनाव जीतने के लिए, ना तो धर्म रहेगी, ना राजनीति रहेगी, ना संविधान रहेगा. अगर पुरी का शंकराचार्य और जोशीमठ का शंकराचार्य एंटी हिंदू भाजपा के आईटी और सुधांशु त्रिवेदी जी और अमित मालवीय जैसे जो है लोग बोल सकते हैं पुरी शंकराचार्य को एंटी हिंदू, जोशीमठ के जो है शंकराचार्य को एंटी हिंदू, आप पसंद करोगे क्या? हमारे लिए जगन्नाथपुरी हो या जगन्नाथ भगवान हो या राम भगवान हो या जीसस हो या अल्लाह के जो अनुयायी हैं या नानक के अनुयायी हैं, सब बराबर हैं एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन. हम अपने धर्म के जरूर आस्था रखते हैं, लेकिन पहला है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान. और अगर संविधान नहीं रहेगी तो मनुस्मृति को लागू करोगे तो यहां पर बैठे हुए महिला भी जो है नौकरी नहीं करेगी. जाति आधार पर देश बटेगा. एससी एसटी को जो एक टेबल में खाने को मौका नहीं मिलेगा. अगर वो भारत चाहते हो, कांग्रेस उसको जो है जान देने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम तैयार हैं. पहले अंग्रेज को, अंग्रेज से लड़े, अब ये ढोंगी बीजेपी हिंदू से लड़ेंगे. फ्रॉड. सो प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज नोबडी इज सेफ. नो लॉ एंड ऑर्डर, कुछ भी. अब पुरी का शंकराचार्य एंटी हिंदू हो गया, अब बचा क्या है? और कुछ बचा है क्या? कहे तो यार, तुम तो रोज आज बस पूरा सिलेबस एक ही दिन में सुनोगे क्या? सिलेबस एक ही दिन में होगा क्या? पब्लिक मीटिंग, पब्लिक मीटिंग. फिर पार्टी वर्कर्स अलग से मिलेंगे लीडर्स से, पर पब्लिक मीटिंग भुवनेश्वर के, वो लोकेशन सब आपको अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस लीडर्स के साथ डिस्कस करके होगा. संजीव, वी कैन नॉट रिलीज दिस प्लान बिकॉज देन देयर इज नो प्लान. पॉलिटिकल पार्टीज
वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हाउ वी गोइंग टू फाइट दिस इलेक्शन. वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू डू एक्सेप्शनली वेल. When you go to the villages, you go to Orissa, you're seeing the change. I know it. I know how a Odia boy feels when Biju Babu's photo is removed. I know how a Odia man feels when the contract is given to South Indians. I know how a man feels when everything is outsourced to people of outside the state. I know how a poor mother feels when there is no doctor, but there is a mining mafia who has earned 1.5 lakh crores. Through the connivance of all the BJD and BJP leaders. I know that in the feeling of people, that survey is coming out. It is for us to convince them that the Congress is the party which can fight. We fought for Niyamgiri. We will fight for all the SCs and STs and the poor people and the women. Rahul Gandhi is fighting. Please remember, Shankar Deva Bhagwan ke mandir mein agar Rahul Gandhi ji ko ghusne nahi diya, kal aap sabko bhi Ram Mandir mein ghusne nahi denge. ये लोग ढोंगी हैं, फ्रॉड हैं. ये तय करेगा क्या कि क्यों हम भगवान से कब मिलेंगे? तो हिंदू सचमुच में खतरा है भाजपा के चलते. हिंदू खतरे में सही है, भाजपा के चलते खतरे में है. प्लीज रिमेंबर दिस एंड मार्क माय वर्ड्स, यू विल रिमेंबर दिस. अगर अभी नहीं याद करोगे, जैसे रवीश बोलते हैं ना, 20 साल बाद याद करोगे, जब तब तक कुछ नहीं बचेगा. इसलिए भगाइए इनको. Any other question? Sir, who is the chief minister candidate in your party? Who is the chief minister candidate for BJD? Pandian? You first answer that. You tell me that, then I'll answer mine. Because I don't know who is the BJD candidate. BJP. If it is Mr. Pandian, then we'll tell you my candidate. You first tell me. BJP ka kone bata do? BJD beat, no. Yaar, boss. Woh nahi batayega, main kyun batau? Tum pehle uska batao. Nahin, dusra yahi sawal hai, boss. Again, I'm asking you a question, sir. Have you asked the BJD this question? You ask that to BJD and BJP and come and ask me, I'll answer you.